ओ काका, ये खटिया को पानी में क्यों डाले हो? अरे बेटवा, खटमल मारने का यही तरीका है ना, तालाब के पानी में खटिया को डुबो दीजिए, उसके बाद जितने खटमल होंगे ना, उनका राम नाम सत्य अपने आप हो जाएगा। वाले लगातार अटक गई है का? अरे काका, आपकी भी उम्र हो गई है। चलो भैया, हम भी आपको मरना चाहते हैं। पानी में थोड़ी भीग के मरना हो गया और कुछ नहीं। अरे बताओ तुम, काका आराम से खाट पे सोना, खटमल की कोई चिंता नहीं। चलो जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटवा, बहुत परेशान थी आज। चारपाई में पनपते खटमलों से निजात पाने के लिए गांवों में ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। किसी तालाब, पोखर या झील में चारपाई को डुबाकर रात भर रखने से खटमलों से छुटकारा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रहने वाले भैरव ने भी यही किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस तालाब से वो अपनी चारपाई के साथ कुछ और भी ले आया था, और वो था तालाब का प्रेत, जिसे बुधवा कहा जाता है। ये माना जाता है कि अगर किसी तालाब में अकस्मात मौत हो जाए और उसकी लाश तालाब से लापता हो जाए, तो उस इंसान की रूह उसी तालाब में फंस जाती है। वो सिर्फ पानी के जरिए ही बाहर आ सकता है, और भैरव की चारपाई से उसे ये मौका मिला। भैरव की मौत की खबर कानपुर में रहते उसके बेटे नकुल को मिली। वो उसी वक्त अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा। Thank you.
ये सब क्या हो रहा है पंडित जी? अंतिम स्नान के पश्चात हो सकता है शरीर में पानी भर गया हो। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम घी डाल के पुनः प्रयास करो, जलेगा। प्रयास करो। अरे नकुल बेटा, कुछ और मदद चाहिए का? नहीं मौसी, वैसे आपने बहुत मदद कर दी, धन्यवाद। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद काहे का? तोहार बाबूजी हमारे पड़ोसी रह चुके हैं 20 साल से। हाँ, अब उनके जाने के बाद उनका सामान ठिकाने लगाना तो फर्ज है ना हमार। ये भी रखना है का? नहीं मौसी, इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। और मौसी, मैं इस घर को ताला लगा जाऊंगा। कोई ग्राहक आए तो बताइए। अरे पर इस खटिया का क्या करे? अब हमरे घर में रखने से बड़ी दिक्कत होगी। तो अपने साथ ले जाओगे या दे दे किसी को? नहीं नहीं मौसी, इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। बाबा जी को इस खटिया से बहुत लगाव था, इसी पे सोया करते थे। कुछ और मदद चाहिए तो बोल देना। और हाँ, बाहर कुछ और सामान निकाला है, आके जरा देख लेना। नकुल, बाबूजी के मृत्यु के बाद नकुल जाने टूट ही गए थे। नकुल ने ना जाने कितनी बार बाबूजी को कानपुर हमारे पास लाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी, उन्हें अपने गांव से इतना लगाव था कि यहां से कहीं और आने के लिए राजी नहीं हुए। यही बात नकुल को खलती थी कि उनके अंतिम समय पर भी वो उनके साथ नहीं थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज याद के तौर पर कानपुर लाई जाए, ताकि हम उन्हें हमेशा याद रखें। मम्मी, पापा। पापा। कैसे हो आप लोग? ठीक है। और बताओ, आप लोगों ने गोदावरी चाची को ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी। वेरी गुड। इस बैग में क्या है? इस बैग में दादाजी का सामान है। और पापा, ये चारपाई? बेटा, ये चारपाई दादाजी को बहुत पसंद थी तो हम लोग यहाँ ले आए। नकुल, मैं सोच रही थी कि इस चारपाई को हम वहां रखते तो हम दादाजी का सामान देखे। सबसे पहले मैं देखूंगा। क्यों? सबसे बड़ी तो मैं हूं ना, उसे सबसे पहले मैं देखूंगी।
आज से मैं दादाजी के चारपाई पर बैठूंगा। चलो उठो, मुझे भी बैठना है। नहीं मैं बैठूंगा। उठो, मुझे भी बैठना। मैं बैठूंगा। नहीं, कोई नहीं बैठेगा इस पर। बेटा ये दादाजी की चारपाई है, इस पे कोई नहीं बैठेगा। ये दादाजी की निशानी है, इसे हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, समझे तुम दोनों? गुड। अब जाओ ऊपर जाके खेलो। जाओ तुम्हारे बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता था। बाबूजी की जान के बाद बहुत टूटा सा महसूस कर रहा हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए। अब आप ये सारी बातें छोड़िए और कमरे में जाके आराम कीजिए। अच्छी जगह छुप गए हो, पर मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूंगी। अच्छा तो तुम यहां पे हो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। छुपे हो। ये पानी गिरने की आवाज कहां से आ रही है?
बेटा पानी पीने से पहले देख तो लो, देखो कितना गंदा पानी था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा पानी देती हूँ। इतना गंदा पानी, लेकिन मैं तो मटका हर दूसरे दिन में साफ करती हूँ, ऐसे कैसे? अच्छा हुआ बेटा आपने वो पानी नहीं पिया। थैंक यू मम्मी। ये पहली बार था, मुझे लगा शायद कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं कारण का पता नहीं लगा पा रही थी। वो मटके का पानी तकरीबन मैं रोज बदलती थी, पर पता नहीं उसमें इतने काई कहां से आ जाती थी। नीति ने अपने बुरे सपने के बारे में भी मुझे बताया था, पर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और यही सबसे बड़ी भूल थी मेरी। अजीब हो रहा है। क्या मतलब, क्या हुआ? कल रात को मटके का पानी गंदा हुआ था, और अभी कुणाल ने नल के पानी से मुंह धोया तो नल के पानी से भी गंदा पानी आ रहा है, और कुणाल की आंखें बुरी तरह से जल रही है और आंख भी लाल हो गई है। अरे तो फौरन कुणाल को डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं अभी वहीं पहुंचता हूँ। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। कुणाल, कुणाल, कुणाल उठ जा बेटा। कमाल है, अभी दर्द से चिल्ला रहा था और अचानक इतनी गहरी नींद में सो गया। कुणाल उठ जा बेटा, कुणाल, कुणाल उठ, कुणाल, कुणाल उठ, कुणाल। लेकिन ये हुआ कैसे? इसकी आंख में जलन हो रही थी, मैं ये बात अपने पति को फोन पे बता रही थी, जब मैंने फोन कट करके देखा तो ये चारपाई पे सोया हुआ था। मैंने इसको उठाया तो ये सिर्फ चारपाई पर लेटा था। बड़ी अजीब बात है। क्यों, क्या हो डॉक्टर साहब? ये निशान देख रही हैं आप? हाँ। ये जलने के निशान है, ऐसा लगता है किसी खतरनाक तेजाब से जल गया। शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन पट्टी करनी होगी। जी। सिस्टर। यस सर। जल्दी से पट्टी का सामान तैयार करो। यस। बेटा। पापा। कैसा कुणाल? पापा, कुणाल को बहुत चोट लगी है। क्या? लेकिन कैसे? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। नकुल। Oh my God! लेकिन इसकी तो आंखें चल रही थी ना, तो फिर ये चोट कैसे लगी? भावजी की चारपाई से, उसी पे लेटा था ये। क्या मतलब? इस चारपाई से तो कुछ नहीं हो सकता, इस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नकुल, मैंने खुद देखा था, मैं यही खड़ी उस समय तुमसे फोन पे बात कर रही थी। इसी खटिए से कुणाल का चेहरा घायल हुआ है, एकदम से जैसे चिपक गया था ये।
मैं ये बात मान ही नहीं सकता। जरूर तुम ठीक है, मत मानना है मत मानो, तुम्हें जो समझना है समझो। यहाँ बच्चे का ये हाल हुआ है और चल बेटा। पापा आज मैं आपके साथ सो सकती हूँ क्या? हाँ बेटा। सोए नहीं अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही है। आज जो कुणाल के साथ हुआ कुछ तो गड़बड़ है, तुम मेरा यकीन करो। और पानी में भी अजीब सा मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा एक बहम है। बहम प्लीज नकुल, नकुल उठ जा। कुछ भी नहीं हुआ नकुल, इस खटिया में कुछ भी नहीं। ये लो पानी पी लो। मैं कह रही थी ना कि उस चारपाई में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो था क्या? सुनो मेरी बात मान लो, उस चारपाई को फेंक देते हैं। काश कांता मौसी उस चारपाई को वहीं पे रख लेती। इस घटिया का सागर है, हमारे घर में रखने से बड़ी दिक्कत होगी। तुम अपने साथ ले जाओगे या दे दे किसी को? नहीं, मैं उस चारपाई को तब तक नहीं फेंक सकता जब तक मैं ये जान नहीं लेता कि उस चारपाई में क्या है। मैंने नकुल से कहा था कि खाट को यहां से हटा दो, पर उन्होंने मना कर दिया। ये बात तो मैं भी जानती थी कि कांता मौसी का घर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबूजी के खाट घर में रखने से मना क्यों किया? और इसी बात का नकुल को शक हुआ, और इसी शक का पता लगाने वो गांव चले गए।
नकुल बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? तू बैठा, मैं तुम्हारे लिए चाय या शरबत का बंदोबस्त करती हूँ। कांता मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हमने क्या किया? आप बाबूजी की खटिया की सच्चाई अच्छी तरह जानती थी और इसलिए उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं बहुत डर गई थी बेटा, मुझे माफ कर देना। अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए मैंने सब कुछ छुपाया। तुम्हारे बाबूजी की मौत के पीछे बुढ़वा का ही हाथ है। बुढ़वा? ये क्या होता है? बुढ़वा यानी जल पिशाच। जिस किसी इंसान की मौत पानी में डूबकर होती है और उसका शरीर भी नहीं मिलता, तो इसकी आत्मा पानी में कैद हो जाती है, उसे बुढ़वा कहते हैं। 10 साल पहले हमारे उनके भी झील के पानी में डूबकर मौत हुई थी। तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु हुई तब पता चला कि उनकी मौत के पीछे भी बुढ़वा का ही हाथ है। लेकिन आप ये यकीन से कैसे कह सकती? तुम्हारे बापूजी के अंतिम संस्कार के वक्त उनके बदन से बहुत सारा पानी बह रहा था। तभी मैं समझ गई कि इनके पीछे भी बुढ़वाई है। मेरे पति की मृत्यु के समय भी यही हुआ था। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं कहा मौसी? अब मैं क्या करूं? वो बुढ़वा उस चारपाई के जरिए मेरे घर में घुस आया है। मौसी, मौसी, अगर वो चारपाई में फेंक दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मौसी? चारपाई फेंकने से भी कुछ नहीं होगा बेटा, अब तो वो तुम्हारे सारे घर में फैल गई होगी। क्या? अब क्या होगा मौसी? वो पुरानी देवी के मंदिर के पुजारी है ना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। कौन वो? पंडित जी? हाँ। बच्चों को लेकर बाहर जाइए। बच्चों चलो बाहर। आपको हम पे भरोसा है? जी, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे इसे पकड़ने की। यदि विधि के दौरान ये आपके सामने भी आ जाता है तो आप अपने स्थान से हिलिएगा मत।
काली के पास दुर्गा क्षमा शिवा द्वाहा आपको जल्द से जल्द ये मटकी और ये चारपाई किसी भी हालात में उसी तालाब में वापस छोड़नी होगी। और हां, इस बात का ध्यान रहे कि ये कार्य आपको अकेले ही करना होगा। लीजिए। प्लीज संभल के जाना। Thank you.
आज इसको जमींदार के घाट पे नहाता है हरामजादा, मार डाल इस हरामजादे को, हमारे घाट पे नहाने चला है, नहला दे इसको आज हमेशा हमेशा के लिए। साल पहले हमारे उनके भी झील के पानी में डूबकर मौत हुई थी। मर गया हरामजादा, हमारे घाट पे नहाता है। बहुत अच्छा किया रे तूने, आज दिल खुश कर दिया। तू तनिक भी चिंता न कर, हम तेरे जमीन का कर्जा माफ करवा देंगे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। पता चला था कि कैसे बाबूजी ने 20 साल पहले सुरेश नाम के आदमी को तालाब में डुबोकर मार दिया था और वही बुढ़वा बनकर अपना बदला ले रहा था। उन दोनों को तो उसने मार ही दिया था, पर वो उनके परिवार पर भी हमला कर रहा था क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। और इसीलिए पंडित जी ने नकुल और कांता मौसी को ससुर जी और भूषण काका की ओर से आत्मा के शांति के लिए हवन करने को कहा था, जिससे सुरेश की आत्मा को जलपिसाच योनि से मुक्ति मिल सके। और फिर नकुल ने 4 पंडितों को बुलाकर उसी तालाब के पास हवन करवाया और इससे सुरेश की आत्मा को शांति मिल गई और हमारे परिवार से भी खतरा टल गया। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार आम भाषा में बुढ़वा, कुनवा या बाघ के नाम से मशहूर प्रेत आत्माएं दरअसल जल पिशाच होती। वेदों में भी इनका जिक्र है कि ये राक्षस और दैत्य से कम ताकतवर माने जाते हैं। फिर भी पिशाच योनि में फंसी आत्माएं बहुत खतरनाक और बेरहम होती। किसी नदी, तालाब या कुएं में बेमौत मरने वाले की आत्मा उसी जगह पर फंस जाती है। शरीर ना मिलने की वजह से विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हो पाता और वो भटकती आत्मा जल पिशाच में बदल जाती है। ये जल पिशाच पानी को अपना जरिया बनाकर किसी के भी घर में दाखिल हो जाता है और उनकी जिंदगी को नरक बना देता है। जल पिशाच को मुक्ति आसानी से नहीं मिलती, इसलिए उन्हें फिर से उनके तालाब या नदी में वापस छोड़ना ही बचाव का रास्ता माना जाता है। आज भी उत्तर भारत, असम, बंगाल में कई ऐसी नदियां, झील और तालाब हैं जिसमें जल पिशाच का कब्जा है।